हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। रोज़ की तरह मैं ठूठूब स्क्रॉल कर रहा था। ठूठूब स्क्रॉल करते वक्त मुझे कुछ चीज़ें दिखीं, कुछ प्रैंक्स देख रहा था मैं। मैंने डाला टॉप टीनेजर गोल्ड डिगर प्रैंक्स ऑफ 2021। ऊपर क्या आ रहा है आगे पता चलेगा, वो आगे पता चलेगा। नहीं, मेरे को एक चीज़ समझाओ, इस देश में इतनी हवस बढ़ कैसे गई है। भोजड़ी का हर एक बंदा अपनी जेब में कोठा लेके घूमने की कोशिश कर रहा है, और कोठा ही नहीं, कुत्तों से भी तुम्हारी गांड जल रही है। नहीं, तुम अपनी बीवी के साथ खुश नहीं रह सकते। कुछ तो भोसड़ी की ये कह रहे हैं, काश यार कुत्तों वाली लाइफ हो जाती, कुत्ता किसी की भी गांड मार लेता है, हमें तो बेंचो देख के साथ रहना पड़ता है, चिंता नहीं है कि एड्स होगा। तो टाइटल और थंबनेल देख के तो तुम लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज मैं किस मुठबाजी की बात करने वाला हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही पहुँच रहे हो आप। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप हवस गोल्ड टिकट प्रैंक्स ऑफ 2021। किसी ने ईयरफोन्स नहीं लगाया तो प्लीज ईयरफोन्स लगा लो, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत गालियां दे देता हूँ जिससे कि तुम्हारे माँ बाप चप्पल उड़ा के फेंक सकते। तो प्लीज 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 थोड़ी बहुत लगा लो ईयरफोन्स। नहीं, अगर तुम लोग भी अगर उन लोगों में से हो जो इस प्रैंक को देख के इंस्पायर होकर ये फ्यूचर करने वाले हैं, तो प्लीज मेरे को अनसब्सक्राइब मार देना भाई। मैं बहुत गरीब लौंडा हूँ, मैं ऐसे लोग नहीं झेल पाऊंगा भाई। ठीक है, प्लीज ऐसा काम मत करना, मजे के लिए आए हो, खुश रहना। ठीक, तो आज हम लोग देखने वाले हैं किसिंग प्रैंक वीडियो इन 2021, किसिंग प्रैंक गोल्ड डिगर प्रैंक। ठीक है, तो एक्सप्लोर करते हैं फिर इन्हें। आए हाय हाय, स्टार्ट होते ही सस्ती चूचा चसाई, मतलब क्या ही कर रहे हो भूसड़ी के। नहीं, ये लौंडे इतने हाई एंडेड गंवार हैं। डिस्क्लेमर, इस वीडियो का मकसद केवल लोगों को एंटरटेनमेंट पहुंचाना है। एंटरटेनमेंट भाई बहुत ही ज्यादा मुश्किल से भैया ने गूगल पे ढूंढा था। ठीक है, इस वीडियो को दिल से ना ले, गांड मरा ले भोसड़ी के। चौथी फेल दसवीं बार बहादुरचोद, इसमें सबके फेस को ब्लर किया गया, ब्लरी किया गया है। अगर किसी को अपने फेस से प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर संपर्क करें। लिटरली बेंचो, अगर ये ब्लर है ना, तो मैं जा रहा अपने गांड के सौदे 2.5 पैसे में करने। मैं सच में जा रहा हूं, अगर तुम्हें भी लग रहा है तो तुम भी आओ, तुम्हें भी लग रहा है तो तुम भी आओ। तुम मुझे भूल गई, कौन हुआ रही हो? मैं सालों पहले तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो रहा था, सऊदी की वाइट चादर लाल करके आए थे हम। सालों पहले तुम्हारा बॉयफ्रेंड, भोसड़ी के लुल्ली तक बड़ी नहीं हुई होगी अभी तुम्हारी, और बॉयफ्रेंड की बात कर रहे हो बेटी चोद। कुछ भी बोल दो, मतलब साले बॉयफ्रेंड की बात कर रहे हो तुम, बिना लुल्ली के बॉयफ्रेंड बन जाते, तुम्हारे ऐसा रिवाज है क्या तुम्हारे यहाँ? और ये क्या बोल रहा, तू ये क्या बोल रहा है फिर बता। सऊदी की वाइट चादर लाल करके आए थे हम, सऊदी की वाइट चादर लाल करके आए थे हम। क्या क्या क्या, सऊदी की फ्लाइट से चादर लाल करके आए थे हम? तुम्हारे यहाँ लड़कों के भी पीरियड चलते हैं? अबे कैसे गांव से बिलोंग करता है भाई, पागल है क्या तू, कुछ भी बोले जा रहा है। और हाँ, एक बात और बता तू मेरे को, ये ब्लोजॉब के नशे इतने कर क्यों रहा है तू, जो मुंह के अंदर वाली आवाज आ रही है? हाँ, वैसे मैं एक्सपीरियंस नहीं हूँ, बता रहा हूँ मैं बस। ठीक है, मेरे को ऐसे मत समझना, मैं लुल्ली एक्सपीरियंस्ड हूँ। जिसके लिए तुम अपना नस काटने के लिए तैयार थी? अबे लुल्ली 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 काटने को तैयार थी वो, तेरी नस नहीं, साले हवस के पुजारी माधरचोद। मैं तुम्हारा पति, मैं तुम्हारा हस्बैंड का छोटा भाई, मैं तुम्हारा देवर। कुछ देर पहले तूने कहा कि मैं तुम्हारा सालों पहला बॉयफ्रेंड, अभी तू कह रहा है मैं तुम्हारा पति, मैं तुम्हारा हस्बैंड के छोटा भाई, तुम्हारा देवर। अबे देवर मत बोल तू, तू बोल कि मैं तुम्हारे पति के लंड का फ्लेवर, ये बोल तू। साले कॉन्डम जैसी थूत के माधरचोद, और यहाँ पर तो ज्ञान चोद रहा है साले, सस्ती रंडी। और धीधी की एक्टिंग तो ऐसी लग रही है जैसे पता नहीं उन्हें तो कुछ मालूम ही नहीं है, धरती की सबसे ज्यादा सौभाग्यवती लौंडिया वही है। नहीं, उनको समझ ही नहीं आ रहा, उनको तो लग रहा है कि हम चूतिया बैठे हैं। इस तरीके की सस्ती स्क्रिप्टिंग वाली वीडियो जो कि साली नोकिया 310 से रिकॉर्ड की जा रही है, उसका ज्ञान तुम यहाँ चोद रहे हो? नहीं, यहाँ पर हम तो चूतिया है ना, जो बहन जो OBS POBS 1 लाख का कंप्यूटर बना के बैठे हैं, नहीं हम तो चूतिया है, हमें भी नोकिया 310 खरीद के फिर प्रैंक रिकॉर्ड करना चाहिए, हमें नहीं पता कि प्रैंक में ज्यादा पैसे मिलते हैं साले सस्ते। ये पता है, अभी तुम लोग आगे देखो अभी इसकी हरकतें। बदतमीज दिल बदतमीज माने ना माने ना, दिल बदतमीज माने ना माने, दिल माने भी तो कैसे माने, स्क्रिप्टेड लौंडिया जो है, असली लौंडे के सामने बोल के दिखा दो, तुम्हारे गांड में चिन्हों ने ना भर दे, भैंचोद अपने घर के सारे खटमल तुम्हारे लंड के अंदर आके भर देगी। और भैंचोद यार तुम ज्ञान चोद रहे हो। और हाँ, सारी बातें छोड़ो, ये बात मेरे को क्लियर कर सबसे पहले कि तू भैंचोद उन्हीं लौंडों में से है ना जो गधा होने के बाद भी घोड़ों के बगल में खड़े होकर सोचते हैं कि मेरा लंड इस घोड़े से ज्यादा बड़ा है ना, है ना, तू वही है ना साले हवसी माधरचोद। तो पुलिस वाले तुम अभी के क्या अभी उठा के ले जाएंगे यहाँ से?
अक्खा मुंबई के पुलिस अपन को ढूंढने में लगी पड़े, तुम्हें पता दिल्ली की उठाएगी तुम्हें? क्या अक्खा मुंबई? साले चू तुम्हारी पिस्तौल से सकल के अक्खा मुंबई की पुलिस ढूंढ रही है तेरे को? साले मुर्गों के अंडे चुरा के भागने वाले सात पुस्तों के मुर्गे ढूंढ रहे हैं तेरे को, गांड मार लेंगे तेरी वो मुर्गे, भाग जा बहनचोद। सारी मुर्गियों ने अपने बॉयफ्रेंड पाल रखे हैं मुर्गे, तेरी गांड में घुसने के लिए तैयार हैं। जब तेरी गांड में पीओ मारेंगे ना, तेरी मां चुत जाएगी वहीं पे। चलो ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझे ना एक किस्से चाहिए। थप्पड़ चाहिए? मारो ना फिर। चल चल। ओहो, भाई ने ब्लर किया, भाई ने ब्लर किया, सबके चेहरे छुप गए, पूरी वीडियो का कोटा पूरा हो गया भाई के ब्लर से। और ये तूने क्या बोला लास्ट में? मारो तो फिर, गांड देगा? मारो ना फिर। तीन बार देता हूँ, तीन बार। मारो ना फिर। ध्यान रखियो, पैसे भी नहीं दूंगा गांड मार के। मारो ना फिर। भाई साहब, गाइस आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि इस बंदे को अब पैसे की भी जरूरत नहीं है। कृपया करके इसके डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पे इसकी गांड के सस्ते रेट के लिए कॉन्टेक्ट करें। कृपया करके मेरे लिए ये कार्य करें आप। आगे से भी दूंगा, पीछे से भी दूंगा। तो दे ना भोसड़ी के, परेशान हो गए हम चार साल से। आगे से भी लेंगे, पीछे से भी लेंगे, दे तो सही। ऐसा डालेंगे ना कि भाई तू जिंदगी भर नहीं भूलेगा। मारो ना फिर। तू रुक जा, अभी इस वीडियो के बाद तेरी चूत पे चूत मारायण अभियान चलाते हैं, तू दिक्कत मत ले। गांड मारायण अभियान, चूत मारायण अभियान, सारे अभियान चलाएंगे, तू दिक्कत मत ले ब्रो। आई एम विद यू, माय पब्लिक विल सपोर्ट यू, माय पब्लिक विल हाईली सपोर्ट यू इन चूत मारायण अभियान। प्लीज यार, मेरी गर्लफ्रेंड को कुत्ते ने काट लिया था और वो मर गई। नहीं, सालों पहले तेरी गर्लफ्रेंड ये थी और तेरी गर्लफ्रेंड को कुत्ते ने काटा। वो गर्लफ्रेंड मरी नहीं थी, वो ऐसी जानवर बन गई है जो तेरे साथ बैठी हुई है। और वो पता है क्या, अभी मैं वो चूतिया पे दिखाने वाला नहीं हूँ, वो बहनचोद मान भी गई इस चीज को कि हाँ आपकी गर्लफ्रेंड को कुत्ते ने काटा था, अब मैं आप मेरे कमर पे चुम्मा ले लो। वाह वाह, लिटरली बता रहा हूँ। पता है क्या, मुझे गांड बेचने का मन कर रहा है। खरीदेगा तू खरीद ले मेरी गांड, तेरे लिए एक्सट्रीम ऑफर दे रहा मैं, खरीद ले मेरी गांड। बाय द वे गाइस, जिसको मेरी गांड में इंटरेस्टेड हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके उसे ज्वाइन करो। तुम वही भोसड़ी वालों जो डिस्क्रिप्शन खोल के देख रहे हो, हाँ, तो वो नीचे डिस्कॉर्ड का लिंक है, वहां ज्वाइन करो, ठीक है? वहां पर मैं वीसी पे बैठता हूँ तो सारे मेरी गांड मारते हैं, तो वहां आओ तुम, समझे? मैं एक छोटा सा मजाक कर रहा था। मैं कब से देख रहा हूँ तुझे छोटी चीजें बड़ी पसंद है यार, यू आर हाईली इंटरेस्टेड इन छोटी चीज। मेरा ले ले, बहुत छोटा है। नहीं मतलब बड़ा है, लेकिन तेरे लिए बहुत बड़ा है, मतलब बाकियों के लिए छोटा है। मतलब तुझे, मतलब बेइज्जती तो तेरी हुई साले, तुझे छोटा पसंद है, फंस गया तू। आई होप गाइस वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर देना। नहीं, क्या कर देना? सब्सक्राइब, क्या होता है ये? सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कर देना। मुझे लगता है तेरे साथ एक और बीमारी, मैंने स्टार्टिंग में तेरे को एक बताया कि तू उस चीज के नशे मत कर, बट तेरे साथ एक और बीमारी है। जानवरों के जो झड़ी हुई खट्टी लस्सी होती है ना, उसको तू पीना बंद कर दे ब्रो, क्योंकि उसको पीने से ना मतलब ऐसी आवाज निकलती है ब्रो, ठीक है? मैं निकालता नहीं हूँ, मैं पीता नहीं हूँ, मतलब मैं बता रहा हूँ, ठीक है? बाय द वे, मेरे पास कुत्ता है, मतलब नहीं, गलत नहीं, गलत नहीं। मिलते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा, और देख रहे हो भाभी कितनी हॉट है। नहीं, इतनी देर से तो भाभी पति से डर रही थी, अब भाभी इतनी सती कैसे हो गई? अब उनकी गांड नहीं फट रही अपने पति से कि पति अगर इसकी वीडियो यूट्यूब पे देखेगा तो क्या होगा? नहीं 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 नहीं, तुम लोग को पता नहीं, अभी वैक्सीन में यही इसका पति है। लेकिन फिर ये भाभी क्यों बोल रहा है? कोई बात नहीं गाइज, ये सस्ते टट्टी के नशे होते हैं, ठीक है? अब क्या ही बोले, तो गाइज बस यार आज के लिए इतना ही यार। मैं मतलब इस वीडियो को मैंने एक दिन में तैयार किया है, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था, कल रात में मेरे को कंटेंट मिला तो मैंने सोचा कि चलो इसी का रोस्ट कर देते। बाय द वे गाइज, मैं एक और वीडियो इसमें खींचने वाला था, बट उसमें लास्ट में थोड़ा मोटिवेशन टाइप था, तो फिर मैंने उसको नहीं लिया, ठीक है? और गाइज बस आज के लिए इतना ही यार। होप करता हूँ कि अब से आपको मेरा रोस्ट कंटेंट पसंद आया। तो यार मैं चलता हूँ, लव यू एवरीवन, बाय। कीप क्लैशी वाली लाइन भाई, अब दूसरे चैनल पे मिलेगी आप लोगों को, तब तक के लिए बाय।